इंदौर में पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास की दहाड़ लगाकर चुनावी साल का एहसास तक नहीं होने दिया और हाईटेक तरीके से ई लोकार्पण कर लोगों को एक बार फिर मोदी मैजिक से वाकिफ करवा दिया। देखिए इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी का एनालिसिस एमपी न्यूज के एडिटर महेंद्र सिंह के साथ। इंदौर की सरजमी पर 23 जून 2018 की ये तारीख एक ऐतिहासिक तारीख होगी, जहां एक और स्वच्छता सर्वेक्षण और विकास महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की तमाम योजनाओं का बखान किया। तो वहीं से इंदौर की सरजमी पर एक ऐसा भी नज़ारा देखने को मिला जब एक साथ 16 जगहों पर ई लोकार्पण के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के तमाम कामों को लोकार्पित किया। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर प्रेस क्लब के सम्माननीय अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार श्री अरविंद तिवारी जी। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की क्या रही खास बातें, सीधे उनसे बात करते हैं। तिवारी जी, सबसे पहले क्या लगता है, पूरा भाषण विकास पर केंद्रित रहा, किस तरह से चुनावी साल में विकास से जुड़े इस भाषण को आप नज़रिए से देखें? प्रधानमंत्री ने आज विकास के मामले में जिन शहरों ने और जिन राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया उनकी दिल खोलकर प्रशंसा की। उन्होंने ये भी बताया कि स्वच्छता के साथ साथ, समृद्धि लाने के साथ साथ, संपन्नता लाने के साथ साथ हमारा एक और टारगेट है कि हम ऐसे तमाम लोग जिनके सर पर छत नहीं है उन्हें छत मुहैया कराएं। तो प्रधानमंत्री का आज का पूरा भाषण बहुत लंबा भाषण था, प्रधानमंत्री का पूरी तैयारी से आए थे प्रधानमंत्री, उनके पास पूरा लेखा जोखा था जो अपने 4 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो विकास के काम किए उसका पूरा लेखा जोखा प्रधानमंत्री के पास था और वो उन्होंने जनता के सामने रखा और उन्होंने कहा कि हमने वो सारे काम किए हैं जो अगले 20 साल में होना थे, मतलब 20 साल के जो काम है हमने वो 4 साल में किए। उन्होंने इंदौर की महापौर की बहुत तारीफ़ की, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहुत तारीफ़ की, उन्होंने झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तारीफ़ की और कुल मिला के उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि जो शहर अच्छा काम कर रहे हैं, जो राज्य अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। तिवारी जी, क्या लगता है जिस तरह से हाईटेक अंदाज में जो है प्रधानमंत्री मोदी का ये नज़ारा देखने को मिला और 16 जगहों से एक साथ वो जुड़े, ये ई लोकार्पण की नई परंपरा क्या देश डिजिटल इंडिया में जो है शुरू हो गई? दरअसल जब मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हुआ था तब मध्य प्रदेश सरकार के पास मध्य प्रदेश में विकास कार्यों का एक लंबा चौड़ा खाका तैयार था। यह संभव नहीं है कि हर स्थान पर प्रधानमंत्री जाएं और इन चीज़ों का लोकार्पण करें, इसलिए और चूंकि एक इंदौर में बड़ा शो था इसके लिए सरकार ने बहुत तैयारियां की थी, तो इस प्लेटफॉर्म का मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत उपयोग किया। मध्य प्रदेश के जो नगरी प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव हैं विवेक अग्रवाल, बहुत विजनरी व्यक्ति माने जाते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने और राज्य के जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरी ने, इन लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हम प्रधानमंत्री से, चूंकि प्रधानमंत्री का बहुत जोर हाईटेक सिस्टम्स पे है, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो देश के अलग अलग क्षेत्रों में हाईटेक चीज़ों पे बहुत काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसी के तहत तय हुआ कि हम एक इस प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करें और ई लोकार्पण के माध्यम से जो 4,000 करोड़ से ज़्यादा के काम हैं उनको लोकार्पित करें। तिवारी जी, क्या लगता है डिजिटल इंडिया में ये हाईटेक अंदाज की बात हो गई, आसमान में जो है बादल बरस रहे थे और नीचे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरज रहे थे, क्या वाकई में इस बात में कहीं कोई दम है? बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हुआ उस समय बरसात शुरू हो चुकी थी। दरअसल आयोजकों को आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शुरू होने के पहले बरसात होने लगे जिससे कि यहाँ उपस्थिति प्रभावित हो, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ ईश्वर भी है। कल इंदौर में बहुत तेज़ बारिश हुई, रात को लगा कि व्यवस्थाएं गड़बड़ाने जाए, आज जब आयोजन शुरू हो गया पूरा पांडाल भर गया और अपेक्षा से ज़्यादा लोगों की आज उपस्थिति इस आयोजन में दिखी, तो उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू हो गया, प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हो गया, तब बारिश शुरू हुई। और बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तरफ बादलों की गड़गड़ाहट थी तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की दहाड़ थी, विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी दहाड़ रहे थे और बता रहे थे कि मैंने कितना चैलेंजिंग काम किया है और उन सेक्टर्स को छुआ है जिनसे सामान्यतः राजनेता परहेज करते हैं। तिवारी जी, एक आखिरी सवाल, क्या इस पूरे आयोजन से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मनोबल भी अब जो है 7वें आसमान पर पहुंच गया है, आप क्या मानते हैं? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के लिए आयोजन बहुत प्रतिष्ठापूर्ण था, मुख्यमंत्री खुद इस आयोजन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनका जो कोर ग्रुप है वो लगा हुआ था, संगठन लगा हुआ था और इस आयोजन ने निश्चित तौर पर, इस सफल आयोजन ने और जिस अंदाज में ये आयोजन हुआ और जिस तरह से प्रधानमंत्री इंदौर और मध्य प्रदेश की तारीफ करके गए, उसने प्रधानमंत्री की नज़र में इंदौर के नंबर बढ़ाए हैं, मध्य प्रदेश के नंबर बढ़ाए हैं, शिवराज जी के नंबर बढ़ाए हैं
और आने वाले समय में ये शिवराज जी के लिए ही आयोजन बहुत फायदे का सौदा साबित होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी। तो ये थे इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्वच्छता के मामले में अव्वल इंदौर की सरजमी से नेहरू स्टेडियम में विकास को लेकर दहाड़ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ आसमान से पानी बरस रहा था, तो इंदौर की सरजमी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास को लेकर अपनी दहाड़ जनता के सामने रख रहे थे। बहरहाल देखना होगी इस चुनावी साल में मिशन 2018 के इस पड़ाव में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आयोजन शिवराज सरकार के लिए एक संजीवनी बूटी साबित होता है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम से कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP News इंदौर।